जैसा कि हमने कल इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला आप लोग के प्रेजर के वजह से उनके बाल भी पूरे झड़ रहे हैं, जैसे कि कल कल के ही। हाँ जी जी मैंने भी वो देखा है कि उनके इतने बालों के गुच्छे गुच्छे नीचे गिर रहे हैं। लास्ट मंथ उनके बाल इतने होते हैं। फिर मैं अपने हेयर शॉर्ट करती हूँ, एक दिन उनका मुझे वीडियो कॉल आता है, तूने अपने बाल शॉर्ट कर दिए तो बहुत छोटी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी करना है। मैंने उनको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। पता नहीं अचानक मैं देखती हूँ उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं देखती हूँ उनके बाल इतने शॉर्ट थे। आप लोगों ने भी उसी दिन देखे होंगे उनके छोटे बाल। ओके, तो उसके बाद कल का किस्सा ये होता है कि इन लोगों के वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात भर में सारे ही बाल निकल गए तुम्हारे? ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सटेंशंस थे, हेयर एक्सटेंशंस थे। उनका निकलने का टाइम आ चुका होता है, वो एक प्रोसीजर होता है, एक हेयर एक्सटेंशन निकाल के नया लगाया जाता है। अब मैं तो रही नहीं ज़िंदगी में फ्री की चीज़ें देने के लिए, इसलिए जो उनका वो ओरिजिनल लुक है वो लेके घूम रहे हैं और दुनिया को फिर से गुमराह कर रहे हैं। राशि, कल राखी ने मीडिया के आगे आके काफी बातें कही है, क्या रिएक्शन है आपके उसके ऊपर? मुझे नो रिएक्शन करना चाहिए, अब बस हो गया, बहुत हो गया। कितने रिएक्शन दूंगी? उन लोगों के मुंह तो बंद ही नहीं हो रहे, और मुझे लगता मेरे मेरे काम वाम सब कुछ छोड़ के सिर्फ रिएक्शन ही देने बैठूंगी तो हो गया, काम कर लिया मैंने। अब मैं वापस से अपने काम में आ गई हूँ, अपने स्टूडियो ज्वाइन कर चुकी हूँ, अपने काम कर रही हूँ, मुझे अब अपने काम में ध्यान देना है। काफी बातें कही कल राखी ने, काफी इमोशनल भी हो गई थी साथ ही साथ, तो शायद आपने देखा तो होगा उनका इंटरव्यू या जो कल वो मीडिया के आगे आके कही थी, और काफी बातें कही हैं, लाइक जो भी आप एलिगेशन लगा रहे हो वो झूठे हैं, ठीक है, जो भी केस कर रहे हो उसका कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है तो सामने दिखाओ। राखी सावंत का कब से कोर्ट हो गया है? कोर्ट तो अलग है, हम वहाँ दिखाएंगे ना हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। राखी सावंत को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ कौन मांगता है? कोर्ट, और हमारे पास प्रूफ है तभी तो हम लीगली कर रहे हैं, हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप आपके और आदिल के भी रिश्ते के ऊपर उंगली उठाई है राखी ने कि ये फेक है, कि दुनिया दिखा हुआ है ये, कि और भी कुछ शब्द कहे जो कि मैं कह नहीं सकता, तो क्या कहना चाहोगे उस बारे में आप? तो वो तो आधी दुनिया को भाई बोलती है, जिनको भी उनसे काम निकलवाना होता है भाई बोलती है, बहुत सारे भाई है उसके। और मेरे रक्षाबंधन के बाद तो उन्होंने भी एक रक्षाबंधन किया था, तो ये राखी सावंत का पैटर्न है ये गलत गंद बोलना भाइयों, जो इंसान रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन के दिन ऊपर पवित्र दिन पे अपने भाई को राखी बांधती है और उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस। देखिए इसमें मुझे क्या लगता है, राखी अब कुछ तीन तीन रिलीजन उसके हो चुके हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। जब इंसान तीन रिलीजन में अब है तो अब वो क्या ही करेगा, अब वो कन्फ्यूज्ड है। अब बचे हुए भी अपना लो और जितना आप गंदा बोल सकते हो आप बोलिए। और ये जो भाई बहन को लेके आप बातें करती हो ना, तो आपके जीवन में बहुत सारे भाई है, तो आपका ये पैटर्न है ना, इस वजह से आप दूसरे को बोल रहे हो। राखी ने काफी बातें कही कि मेरी 8 साल की दोस्ती भी टूट गई, सबके पीछे आदिल का हाथ है, तो क्या आपको भी लगता है कि आदिल ने आपको कुछ ऐसे लाइक बोला होगा या फिर इन्फ्लुएंस किया होगा कि उनकी तरफ आप चले जाओ राखी से दोस्ती? बिल्कुल भी नहीं, हमारे खुद के रिश्ते हमें निभाने चाहिए। राखी को क्यों नहीं मेरे साथ रिश्ता रखने आया, उसने क्यों नहीं रखा वो रिश्ता मेरे साथ? जो जितना मेरी तरफ से राखी के लिए जा रहा था, उसकी तरफ से अगर उसका 10% भी रिटर्न आता तो आज मैं इतनी परेशान नहीं होती, और मेरे शायद सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आती। राखी ने ऑलवेज मुझे डाउन फील करवाया है, ऑलवेज। मैं राखी की मैनेजर नहीं थी, राखी की नौकर नहीं थी, मैं सच में एक दोस्त के लिए खड़ी थी। और राखी सावंत को लगता था कि द राखी सावंत बोलती है, मुझे कहती मैं राखी सावंत हूँ, रेस्पेक्ट मी। कौन ऐसी दोस्तों से बातें करता है? कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, भाई बहन भी नहीं बोलता है कि मैं तेरा भाई हूँ, रेस्पेक्ट में, या बहन हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये राखी सावंत केवल वो एक राखी सावंत वाला जो एटीट्यूड लेके घूमती है, उन्होंने ऑलवेज मुझे डाउन फील करवाया है।
तो धीरे 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 जब मुझे पता चलने लग गया कि आप मेरी रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है, इंसान इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, रिस्पेक्ट के लिए निकलना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे मैंने निकलना चाहा, जब उनको पता चला कि मैं अब निकलना चाहती हूँ, तब उन्होंने सब कुछ वो करना स्टार्ट किया, मुझे धमकियाँ देना, मुझे वॉइस मैसेजेस भेजना, सब कुछ मेरे पास है। वॉइस मैसेज से एक और बात याद आई कि उनके पास भी आपका एक वॉइस मैसेज है जिसमें ऐसा कहा गया है कि राखी को उड़ाना है। है तो फिर वो ये शर्लिन, आदिल को कैसे? सॉरी, आदिल की जो बड़ी बहन है, उनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में। तो वो कुछ गंदे लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी ज़बान होती है, तो वो अपने लफ्ज़ों में मुझे समझा रहे थे उस दिन कि नहीं, आपको ये बोलना चाहिए, राखी आपके बारे में ये सब बोलती है। तो मैंने उनको बोला था, आदिल की बड़ी बहन को, अब मेरी भी बड़ी बहन ही हुई वो, अगर आदिल आदिल मेरा भाई है तो वो मेरी भी बड़ी बहन हुई। तो मैंने उनको बोला था कि देखिए, आप कम से कम मेरे लिए ऐसे लफ्ज़ों का यूज़ ना करें, आप अच्छे शब्दों का यूज़ करिए अगर आपको मेरे बारे में बोलना है। एंड देन उसी दिन ये बात हुई थी कि ठीक है, हम राखी, मैंने ये बोली थी बात कि राखी को उड़ाएंगे, बट अच्छे तरीके से। उड़ाने का मतलब ये होता है कि हम उसको सिखाएंगे कि क्या होता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने बंदूक से उड़ाऊंगी या तोप से उड़ाऊंगी, और क्या होता है वो बड़ी सी बंदूक को क्या बोलते हैं, से शॉर्ट नो राइफल, दैट राइफल AK-47 से उड़ाऊंगी, मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। तो आप उसकी कितनी, अब आप लोग तो एक्ट्रेस हो, आपको जितने स्क्रिप्ट लिखनी है आप लिखिए और रिलीज भी कर दीजिए, पिक्चर भी बना लीजिए। जैसे कि मतलब सुबह आदिल और शेरलिन गए थे मतलब दरगाह के पास, दरगाह के सामने बहुत सारे भोले, और रात में दोनों साथ में मिल गए। तो मतलब ये किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि आप भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे शेरिन के साथ में, तो ये किस तरह देखते हैं आप? किस तरह से देखो, मुझे तो लगता है आंखों पे पट्टी बांध लो, अब देखना ही क्या बचा है, क्यों देखे अब, यहाँ तो बस नज़र हटी, दुर्घटना घटी। जैसे आपने कहा कि आफ्टरनून वो यहाँ थे, रात को वो वहाँ थे, यहाँ पे यही हो रहा है, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि हम पे, हमें नज़रें रखने का भी कुछ हमारा ऐसा है नहीं, बस एक कहावत है, नज़र हटी दुर्घटना घटी बोला जाता है। हम किसी पे नज़रें रख के बैठे भी नहीं थे, सबका इंडिविजुअल है, जिसको जिसके साथ भी खड़े रहना है आप रहिए। जितने दिन आप आदिल के साथ थे, थैंक यू वेरी मच, मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरे साथ थे, आपने मेरे लिए भी कुछ वर्ड्स बोले हैं, अच्छे बोले हैं, थैंक यू। बट अब हम, हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, आदिल अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं, मैं अपना इंडिविजुअल कर रही हूँ, और शायद मुझे ऐसे लगता है कि हमारी बड़ी बहन को उधर जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी पुरानी दोस्त बहुत वीक थी। तो अच्छी बात है ना, कोई ये थे तो हम सारे दोस्त ही, कोई दुश्मन तो इतने थे ही नहीं, कोई बात नहीं। आज अगर मेरी बड़ी बहन वहाँ जाती है, आदिल की बड़ी बहन वहाँ जा गई है, तो अच्छी बात है, मैं उस बात को रिस्पेक्ट करती हूँ। तो कभी आगे जिंदगी में ये दोस्ती फिर से बन सकती है किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? जो आप लोग का पूरा ग्रुप था उनके बारे में, आप ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं? जैसे आप, आदिल, शर्लिन, राखी? जी नहीं, देखिए आप भविष्यवाणी तो करें ही मत, जो चीज़ें चल रही है अब भविष्यवाणी तो करना यहाँ बनता ही नहीं है। जैसे जैसे अभी आगे जाएंगे, बातें कैसे कैसे आगे आती है, हमें केवल उसी तरीके से देखनी है। तो जैसे कि कल आदिल ने भी कहा था मैं अकेला हूँ, तो आगे जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी है अभी आपका नेक्स्ट स्टेप्स? जब उन्होंने आपको सीधा बोल दिया कि वो अकेला है एंड वो कोर्ट में देखा जाएगा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बोला। तो ये बोलने के बावजूद हम कौन सी खिचड़ी पकाएंगे, सच में अब सिर्फ कोर्ट में लीगल तरीके से ही सब कुछ किया जाएगा। जैसे कि शेरलिन जी है राखी के पास गए, लेकिन राखी मतलब इनडायरेक्टली बोल रही कि कुछ तो इन लोगों ने स्ट्रेटजी है इसलिए मेरे साथ में, ऐसा ये तो सब ये क्या है? बकवास है, सब कुछ बकवास इनकी है। प्लानिंग है हाँ तो ऐसा भी हो हाँ सकता है, बस भेज रहे हम थे। ओ माय गॉड, हम बहुत बड़े माफिए हैं, बड़े बड़े। हाँ मेरा रिकॉर्ड देखिए, एक काला दाग नहीं है मुझ पे, क्लीन चीट हूँ मैं। कोई भी जाइए, ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाइए, अम्बोली पुलिस स्टेशन जाइए, पूरी क्लीन चीट हूँ मैं। क्या है ये बकवास बकवास बकवास, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑडियंस से क्या कहोगे अपने, काफी प्यार मिल रहा है? ऑडियंस से, सच में ये सबसे, मुझे सबसे अच्छे सवाल यही लगता है कि ऑडियंस से क्या कहूँगी। ऑडियंस से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी, जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से आप दे, मेरे साथ रहिए, आदिल के साथ रहिए। और अब मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत काम करना चाहती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहिए।